नमस्कार, मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लाइज को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो जब भी अपलोड होंगे तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देखना आ जाएगी। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं शेयर मार्केट में निवेश के बारे में। अगर आप तुला लग्न के जातक हैं तो आपको अपनी जो कुंडलियां हैं उसमें जो भी जातक और जातिका अपने कुंडली को देखें कि कौन से भाव हैं, कौन से ग्रह हैं जो कि आपको निवेश में लाभ पहुंचाएंगे, कौन से भाव आदि हैं, ग्रह हैं जो कि आपको निवेश में लाभ की जगह हानि करवा सकते हैं, ये और कब और निवेश करना चाहिए, यह सब जानकारी के लिए हम सब संक्षिप्त में एक वीडियो जो है वो आपके लिए एक कुंडली है यहाँ पे तुला लगने की, उसका संक्षिप्त में हम आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि आपको किस तरह से शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए कुंडली में कौन से भाव आदि को देखना है, ग्रहों को देखना है और कौन सी दशा अंतरदशा देखना चाहिए। इस जानकारी के लिए अब हम देख रहे हैं कि ये उदाहरण कुंडली में तुला लग्न की कुंडली है। तुला लग्न के जातक जातिका देखें कि आपका जो लग्न भाव का स्वामी बनता है शुक्र, वो मुख्य ग्रह है, तो लग्न और लग्न का स्वामी जो है लग्न भाव है ये बहुत मजबूत होना चाहिए कोई भी कुंडली में, क्योंकि यही आपकी कुंडली का मेन रहती है, मतलब मुख्य ग्रह है, वो मजबूत नहीं होगा, लग्न मजबूत नहीं होगा जो आप स्वयं है तो व्यक्तित्व तो है आपका, तो लग्न और लग्न भाव का स्वामी का मजबूत होना बहुत जरूरी है कुंडली में। तो इस तरह से जब भी कोई ग्रह के बारे में बात करेंगे कि वो कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो वो केंद्र में होना चाहिए, 1, 4, 7, 10 में होना चाहिए, 5वें 9वें भाव में होना चाहिए या धन भाव में या आपके 11 भाव में होना चाहिए, परंतु वो 100 राशि के हों, उच्च के हों तथा मित्र ग्रहों की राशि में बैठे हों और मित्र ग्रहों की दृष्टि हो, सुग्रहों की दृष्टि हो। तो इस तरह से जब भी हम कोई ग्रह मजबूत की बात करेंगे तो ये कंडीशन उसमें अप्लाई होती है। तो आपका मुख्य ग्रह मजबूत होना चाहिए। तो यहाँ देखिए कि शुक्र 100 राशि में बैठेगा तो वो मजबूत कहलाएगा, इसके बाद में वो मित्र राशि जो है इनके शनि है, बुध की है, यहाँ बैठेंगे तो वो अच्छा फल देंगे। तो इस तरह आप अपने कुंडली को देखिए कि शुक्र की स्थिति जो बनती है वो ये जो बनती है वो देखिए कि 100 राशि की है, मित्र राशि में है, यहाँ मित्र राशि में है, यहाँ मित्र राशि में है, इस तरह से शुक्र यहाँ जो बैठा है, जो भी 11 भाव में कोई भी ग्रह अच्छा फल देता है तो शुक्र की स्थिति यहाँ भी ठीक है। तो इस तरह से शुक्र मजबूत हो गया। उसके बाद आप देखिए कि चंद्रमा जो मन का कारक है, आपके जो मन की स्थिति को बताता है, वो बहुत मजबूत होना चाहिए। तो चंद्रमा की भी स्थिति केंद्र त्रिकोण में 100 राशि के उच्च राशि की होगी, अशुभ प्रभाव में होगी, तो चंद्रमा आपका मजबूत होगा। चंद्रमा यहाँ अपनी 100 राशि में है, चंद्रमा जब भी अपने 100 राशि में है, मित्र राशि में है, चंद्रमा यहाँ रहेगा वो अच्छी स्थिति है। इस तरह से चंद्रमा मित्र राशि में यहाँ भी अच्छी स्थिति है, यहाँ भी चंद्रमा की जो नीच स्थिति हो जाएगी वो अच्छी नहीं है। तो इस तरह से चंद्रमा भी बलवान होना चाहिए आपकी कुंडली में। तत्पश्चात आपको बुध को देखना है कि बुध जो है बुद्धि का कारक है, तर्क शक्ति है, उसमें अच्छे निर्णय लेने की शक्ति है और जल्दी निर्णय लेने की शक्ति है। साथ साथ में राहु की स्थिति जो है वो भी आपके देखना चाहिए, 3रे 6ठे 11 भाव में हो, ये राहु यहाँ हो, यहाँ हो, राहु यहाँ पे हो, तो राहु की कुंडली में अच्छी स्थिति होगी तो अचानक जो हम निर्णय लेते हैं वो अचानक लाभ देने का काम भी करता है। तो अच्छी स्थिति में राहु और बुध होंगे, वो जो कि निवेश के लिए शेयर बाजार के निवेश के लिए राहु और बुध का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो आप देखिए कि बुध भी अपने यहाँ देखिए 100 राशि का हो जाता है, यहाँ पे यहाँ मित्र राशि में यहाँ भी अच्छी कंडीशन है, यहाँ भी मित्र राशि में हो जाता अच्छी कंडीशन में है, यहाँ भी बुध की स्थिति अच्छी है, यहाँ भी बुध की स्थिति अच्छी है। तो बुध केंद्र त्रिकोण में 100 राशि का उच्च राशि का आदि होने पे आपको जो भी
फल हैं बुध के और राहु के, वो अच्छे मिलेंगे। तो पहली कंडीशन ये है कि लग्न, लग्न भाव का स्वामी चंद्रमा बुध और राहु अगर आपके कुंडली में अच्छी स्थिति में होंगे, बलवान होंगे, तो ही आप वो शेयर मार्केट में निवेश कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा, नहीं तो आपको उसकी जगह हानि उठाना पड़ेगी। तो आपने देखा कि पहले कंडीशन यह है। इसके बाद में हम बात करेंगे जो कि शेयर मार्केट के लिए, एक तो जमा पूंजी के लिए दूसरा भाव अच्छा बलवान होना चाहिए, मतलब मंगल की स्थिति अच्छी होना चाहिए। इसके पश्चात जो शेयर मार्केट की जो अनुमान लगाया जाता है, अटकलें लगाई जाती है, और इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर मार्केट का जो भाव है वो पंचम भाव है। पंचम भाव का स्वामी शनि की स्थिति कुंडली में बहुत अच्छी होना चाहिए। तो आप देखिए कि यहाँ पे शनि अपने घर में है, वो अच्छी स्थिति में है। यहाँ पे शनि अपने घर में अच्छी स्थिति है, यहाँ शनि उचका हो जाता है, वो भी अच्छी स्थिति में है। यहाँ पे बुध के अपने राशि में है, फ्रेंड की राशि में है, वो भी अच्छी स्थिति में है। इस तरह आप देखिए कि शनि की स्थिति केंद्र त्रिकोण में उच्च की स्वराशि की होना बहुत जरूरी है, जो क्योंकि शेयर मार्केट का जो पंचम भाव है वो उसका कारक वो है। साथ साथ में पंचम भाव का जो कारक है गुरु की स्थिति है कुंडली में अच्छा होना चाहिए। तो गुरु भी केंद्र में त्रिकोण में उच्च के सौ राशि के होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ गुरु उच्च के हो जाते हैं, यहाँ मित्र राशि में ठीक है। इस तरह से गुरु के यहाँ भी मित्र राशि में अच्छे रहेंगे। तो इस प्रकार से गुरु केंद्र त्रिकोण में सौ राशि उच्च राशि के होंगे तो धन देंगे। बृहस्पति का काम है आपको धन देना, धन का वो कारक हो गया है। तो इस प्रकार से आप देखें कि दूसरा भाव पंचम भाव देखा, नवम भाव को इसलिए देखना है कि वो 11वां भाव का 11वां भाव है, भावस भावन से वो भी लाभ का है, और यहाँ वो नवम भाव होने के कारण ये भाग्य का भी भाव है। तो यहाँ पे बुध की स्थिति के बारे में बताया, वो अच्छी है। देखो यहाँ बुध की स्थिति अच्छी है, बैठी है। ऐसे हमने बुध के बारे में बताया कि सौ राशि का हो, मित्र राशि का हो, ये हमने दिखाया, तो बुध अच्छा होना चाहिए। इसके बाद में आपको देखना है 11वां भाव, 11वां भाव का मालिक यहाँ सूर्य अपने घर में है, ये अच्छी स्थिति है। सूर्य अपनी मित्र की राशि में हो, सूर्य यहाँ उच्च का हो जाता है, केंद्र में त्रिकोण में बैठा हो, तो अच्छी स्थिति कहलाएगी। तो सूर्य को तो इस तरह से जो धन के भाव है, दूसरा धन भाव है, ये पांचवा शेयर भाव, शेयर का जो काम देखना है उसके लिए पंचम भाव को देखें, भाग्य भाव को देखें, और 11वां भाव जो लाभ भाव है, इनके स्वामियों की स्थिति केंद्र त्रिकोण में हो, ये राशि परिवर्तन करते हो, इनकी दृष्टियां हो, तो ये आपको अच्छा फल देंगी। तो इस प्रकार से धन निवेश के लिए दूसरा भाव, पंचम भाव, नवम भाव और 11वां भाव के स्वामी के साथ साथ में बृहस्पति जो कारक है दूसरे पंचम, नवम, 11वां भाव के, तो उसकी स्थिति भी अच्छी कुंडली में होगी, तो आपको निवेश करना चाहिए। अब निवेश कब करना चाहिए? जब भी जब दशाएं आती है, मान लो आपके लग्नेश की दशा है, यहाँ योग कारक ग्रह है लग्नेश, शुक्र है, शुक्र की दशा हो, शनि की दशा हो, और बुध की दशा हो, या सूर्य की दशा हो, या मंगल की दशा हो, जब इन ग्रहों की दशाएं हो, इनकी अंतर दशाएं हो, तब आपको निवेश करना चाहिए। निवेश करने के लिए आपको देखिए कि ये जो भाव भाव हैं उनके स्वामियों की दशाएं अंतर दशाएं चले, जब निवेश कीजिए। निवेश करने के लिए आपको शुभ चौघड़िया होना चाहिए। शुभ चौघड़िया के साथ साथ में जिस दिन भी आप निवेश कर रहे हो उस दिन, मान लो शुक्र का निवेश करना है तो शुक्र का हो रहा होना चाहिए उस दिन में, और शनि का आपका निवेश कर रहे हैं शनि के उसमें तो शनि का हो रहा होना चाहिए, बुध का है तो बुध का, सूर्य है तो सूर्य का, मंगल है तो मंगल। तो इसका मतलब है कि जब भी शुभ चौघड़िया होते हैं उसमें आपको निवेश करना चाहिए। शुभ चौघड़िया के लिए आपको बताया कि जो भी ग्रह शुभ चौघड़िया में आते हैं उसके साथ साथ में आपको ये देखना है कुंडली में कि कौन सी दशाएं चल रही है। अगर जो ग्रह की दशा चल रही है उस ग्रह के उसमें आपको निवेश करना चाहिए। मान लो आपको शुक्र ग्रह है जो लग्नेश है, तो लग्नेश का के जो भी जो ये तुला लग्न के जातकों को जो निवेश करना चाहिए वो कंपनियां हैं, वो जो शिक्षण जिसमें शुक्र ग्रह जो इसका स्वामी बनता है, तो शुक्र के जो पदार्थ है उसमें निवेश करना चाहिए। शुक्र के लिए आप सुंदर प्रसाधन चीजें होती है,
कॉस्मेटिक पदार्थ हो गए, रेडीमेड गारमेंट हो गए, आपके सजावट की वस्तुएं हो गई, होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, इस तरह से इनके जो पदार्थ की कंपनियां हैं उनकी उसमें शेयर मार्केट में आपको लगाना चाहिए। जब आपको शुक्र की अगर दशा चल रही है, इसके मान लो कि आपको पंचम भाव का जो शनि है और शनि की दशा चल रही है, तो आप शनि की जो पदार्थ बनते हैं वो पेट्रोल है, कोयला है, बिजली है, मशीन यंत्र निर्माण कार्य है, लोहा है, तो इनकी कंपनियों में आपको जब इनकी दशाएं अंतर दशाएं चल रही हो तो उसमें आपको शेयर मार्केट में लगाना चाहिए। इसी तरह से बुध का भी है, बुध के जो कार्य हैं वो हैं आपके पत्रिका जो है, पत्रिका की लाइन है, समाचार पत्र है, मोबाइल और फोन है, संचार माध्यम है, इनकी कंपनियों में आपको जब बुध की दशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है, तो आपको इन कंपनियों के में शेयर मार्केट में आपको शेयर में लगाना चाहिए। इस तरह आपको बताया कि जो भी है तुला लगने के जातक हैं वो जो लोहा है, सीमेंट है, स्टील, दवाइयाँ, केमिकल, चमड़े, फर्टिलाइजर, कपड़ा, इस्पात, कोयला, रत्नों, प्लास्टिक और कंप्यूटर, कैमरे, टेलीविजन आदि जो भी आधुनिक यंत्र हैं उनमें अपने को निवेश करना चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा कि तुला लग्न के जातकों को जब जो भी ग्रह की दशा चल रही है उस ग्रह के पदार्थों की कंपनियों में शेयर मार्केट में लगाना चाहिए। इसमें आपको देखना है कि मान ये जो ग्रह की युति भी अच्छी होना चाहिए। जैसे मान लो धन भाव का स्वामी है आपका लाभ भाव में, लाभ भाव का स्वामी धन भाव में होना चाहिए। इसका मतलब है कि सूर्य दूसरे भाव में हो और मंगल यहाँ हो, या इनकी युति 11 भाव में हो या दूसरे भाव में हो, तो ये युतियाँ अगर आपकी कुंडली में है ये भी अच्छी कहलाती है। इसी तरह से लग्न भाव का स्वामी पंचम भाव में, पंचम भाव का स्वामी लग्न में हो और राशि परिवर्तन करे, या एक दूसरे की युति हो, शनि और शुक्र की युति लग्न में हो या पंचम भाव में, इसी तरह से बुध और शुक्र की युति भी अगर वो लग्न में हो या नवम भाव में हो, या इनकी युति राशि परिवर्तन हो, बुध लग्न में आ जाए और शुक्र जो है नवम भाव में आ जाए, इस तरह से इनकी युति भी जैसे बुध और शुक्र की युति भी केंद्र में त्रिकोण में हो, तो यहाँ बुध और शुक्र की युति है, तो इस तरह से युतियाँ भी होना चाहिए, राशि परिवर्तन भी होना चाहिए। पंचम भाव का संबंध जब ये मंगल से बनता है, शुक्र से बनता है, या फिर यहाँ पे सूर्य से बनता है, बुध से बनता है, कहीं भी उनकी युतियाँ हो, केंद्र उनकी दृष्टि हो, जैसे यहाँ से दृष्टि संबंध डाल रहे हैं, शनि शनि अपने घर में है, यहाँ पे सूर्य अपने घर में है, ये भी अच्छा योग है। इस तरह से आप देखें कि इनके राशि परिवर्तन, इनके राशि परिवर्तन, इनका राशि परिवर्तन हो, या इनके घरों की युतियाँ केंद्र में त्रिकोण में हो या अपने घरों में हो, इसी तरह से युति संबंधी दूसरे भाव 11 भाव में बनता हो, ऐसे युति संबंध आपके 11 भाव और 9 भाव के स्वामियों की बनते हों, या इनके एक दूसरे से राशि परिवर्तन हो, ऐसे लाभ भाव का और पंचम भाव का भी राशि परिवर्तन हो या उनकी युति हो, तो इस तरह से आप अपने कुंडली में देखें कि इस तरह जितनी युतियाँ वो धन प्रदाय होती है और निवेश के लिए सहायक होती है। तो आपने देखा कि दूसरा पंचम नवम 11 भाव के जो भी स्वामी है उनकी एक दूसरे की दशाएं अंतर दशाएं चल रहे हैं, युति हो, राशि परिवर्तन होने पे आपको अच्छे योग बना देते हैं। आपको जब भी निवेश करना चाहिए जब इन ग्रहों की दशाएं अंतर दशाएं चलती हो और उसके समय शुभ चौघड़िया हो और शुभ होरा में आपको निवेश करना चाहिए। आपको निवेश नहीं करना चाहिए अगर आपका लग्न का स्वामी 12 भाव में हो या 11 भाव का स्वामी 12 भाव में हो, भाग्य का स्वामी या पंचम भाव का स्वामी है या धन भाव का स्वामी 12 भाव में हो और उसकी दशा चले, तो आपको निवेश नहीं करना चाहिए। आपको निवेश जब चौघड़िया अच्छे नहीं हो तो नहीं करना चाहिए। इस तरह से आप देख सकते हैं अगर आपका 12 भाव का स्वामी है और जैसे 12 भाव का स्वामी हो, 6 भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठ जाते हैं, तो ये शुभ ग्रह अगर यहाँ बैठ जाते हैं तो उनकी दशा अंतर दशाओं में भी आपको निवेश नहीं करना चाहिए।
तो इस तरह आपने जाना कि निवेश कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, इसकी स्थिति जान ली। इसके बाद में आपको बताएं कि अगर आपका मुख्य ग्रह को मजबूत करना है तो मुख्य ग्रह शुक्र है, तो शुक्र के मंत्रों के जाप करना चाहिए, 108 करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए, जिससे मुख्य ग्रह मजबूत हो जाएगा। इसके बाद आपका पंचम भाव है, वो जो कि इष्ट देवता होते हैं, यहाँ पे पंचम भाव का स्वामी शनि है, शनि के लिए हनुमान जी की आराधना करना चाहिए। आपके इष्ट देवता हनुमान जी है तो हनुमान जी की आराधना कीजिए, तथा आप जिसको भी आपके देवी देवताओं को मानते हैं वो ये उनकी आराधना कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। इस तरह से पंचम भाव बलवान होगा। पंचम भाव में शनि है तो शनि के मंत्रों के भी जाप कर सकते हैं। जब भी जिस ग्रह की दशा चल रही है, मान लो शुक्र की है, शनि की है, बुध की है दशा चल रही है, या सूर्य की या मंगल की अगर दशा है चल रही है, अंतर दशा चल रही है, तो उस ग्रहों के मंत्रों के जाप करना चाहिए, 108 बार करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। इस तरह से आप अपने घरों को अच्छे रिजल्ट देने के लिए उनका प्रभाव बढ़ जाएगा। जब उनके मंत्रों के जाप करते हैं तो वो अच्छे फल देना शुरू करते हैं। तो इस तरह इष्ट देवता की भी आराधना करना चाहिए। तो ये हमने उपाय के तौर पे बताया था। एक बार फिर से समीक्षा कर लेते हैं हम कि आपको अगर तुला लग्न के जातक हैं तो जब तक लग्न का स्वामी और लग्न भाव पे अच्छा शुभ प्रभाव होंगे, तो अगर लग्नेश मजबूत है तभी आप, और एक लग्नेश मजबूत होना चाहिए। फिर चंद्रमा की बात करी, चंद्रमा भी अगर मजबूत होना चाहिए। उसके बाद बुध और राहु की बात की थी, ये चार ग्रह अगर आपकी कुंडली में मजबूत है, सौ राशि के हैं, उच्च के हैं और शुभ प्रभाव में है, तभी आपको शेयर मार्केट में निवेश करना चाहिए। अगर ये चारों जो ग्रह बताए हैं वो अगर आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है तो आपको निवेश नहीं करना चाहिए। तो अब जब ग्रह सब अच्छे हैं तो निवेश करने की बात आएगी, तो आपको पंचम भाव देखना है, जो कि आपका शेयर मार्केट का भाव है। पंचम भाव ये धन भाव है, उसको देखना है। फिर भाग्य भाव तथा लाभ भाव को देखना है, इनके स्वामियों को देखना है, तथा जो कारक है धन देने का वो बृहस्पति है, उसकी स्थिति को देखना है। अगर ये सब की स्थितियां कुंडली में जिस तरह से हमने बताया हो, केन त्रिकोण में सौ राशि के उच्च के हैं तो शुभ प्रभाव में है, अच्छी युति है, स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, तो जब भी उनकी दशाएं जो भी ग्रहों की आती है तो उस ग्रह जैसे शुक्र की दशा आए, शनि की दशा आए, बुध की दशा आए, तो उसमें उनकी दशाओं या अंतर दशाओं में आपको जो पदार्थ शुक्र से करना है या शनि के हैं या बुध के हैं या सूर्य के हैं मंगल के हैं, तो जो भी दशा अंतर दशा अगर इनकी है वो अगर आपके प्रबल है, अच्छी कंडीशन में है, मतलब वो बलवान है, तो जब इन ग्रहों के जो पदार्थ हैं उनकी कंपनियों में आपको निवेश करना चाहिए। इस तरह आपने देखा तुला लग्न के जातक को अपनी कुंडली में हमने एक संक्षिप्त जानकारी दी, जो कि सामान्य जानकारी है। अगर ये जानकारी के अनुसार आप शेयर मार्केट में निवेश करेंगे तो आपको उसका लाभ अच्छा प्राप्त होगा। मैं एस्ट्रोलॉजर हंसीलाल चौरे, मेरा मोबाइल नंबर है 9893234239। आप टेलीफोन से परामर्श चाहते हैं तो आप मामूली दक्षिणा देके परामर्श ले सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, तथा दोस्तों को भी बताइए। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।